भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैच श्रृंखला में भारत ने न्यूजीलैंड को 1-0 से हरा दिया है। तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग जोड़ी के रूप में फिन एलन और डेविन कॉनवे आए। न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। न्यूजीलैंड का पहला विकेट फिन एलन के रूप में 9 रन पर ही गिर गया। फिन एलन ने मात्र 3 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए कॉनवे ने 49 बॉलों पर 59 रन बनाए। वहीं गेलन फिलिप्स ने 33 बॉल पर 54 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज भारतीय पेसर के सामने टिक नहीं पाया और न्यूजीलैंड की टीम 160 रन बनाकर ही सिमट गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए और 1 विकेट हर्ष पटेल ने लिया। वहीं 160 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के ओपनर आए ऋषभ पंत और ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए। ईशान किशन 10 रन और ऋषभ पंत 11 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वन डाउन पर आए सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए और 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं बल्लेबाजी करने आए सुरेश अय्यर भी 0 रन बनाकर ही आउट हो गए। बाद में हार्दिक पांड्या ने 18 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली और भारत के स्कोर को 75 रन तक पहुंचाया। वहीं मैच में बारिश का साया पड़ गया और मैच को डकवर्थ लुईस नियम के तहत टाई करवाया गया और इस तरह से भारत ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड को 1-0 से हरा दिया। तो इसी तरह की क्रिकेट की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे इस क्रिकेटी चैनल को सब्सक्राइब